गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 83वीं वीडियो हमारी है 11.2 की और नंबर 5 तक हम कर चुके थे। अब आते हैं हम नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि वक्र x² + y² = 1 है और नेक्स्ट लाइन है, एक रेखा का समीकरण है x + y = 1, ये दिया हुआ है कि मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही सेम सिचुएशन हमारे पास आ रही है पहले वाली, और इसमें देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं दिया गया है। कन्फ्यूज़न की जगह पर उसने ये क्लियर बोल दिया कि ये जो मान आप निकाल रहे हैं ये प्रथम चतुर्थांश में होने चाहिए। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर आप मान निकाल के काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है इसको तो हम नंबर डाल देते हैं 1, और ये नंबर जो है इसको नंबर डाल देते हैं 2, है ना। ये रेखा का समीकरण है, तो जब हम इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए पहले वाले के लिए, तो इसमें एक वृत्त का समीकरण बन रहा है और इस वृत्त का केंद्र है क्या 0 0, है ना। तो इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ सारी, तो अब बार बार वो डिटेल बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो कंडीशन बन रही है या केंद्र की कंडीशन बन रही है वो तो है 0 0, और त्रिज्या क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या है 1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से हमने एक वृत्त बनाया और ये वृत्त जो केंद्र है इसका वो तो 0 0 हो गया, मूल बिंदु हो गया, और त्रिज्या आ गई 1 के बराबर। यहाँ पर आ गई त्रिज्या 1। दूसरी है रेखा का समीकरण, तो रेखा है x + y = 1, ये एक रेखा का समीकरण है, और इस x + y = 1 में जब हम, अब देखिए कंडीशन एक आ चुकी है पहले, पिछले वाले वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि रेखा का हमें नहीं पता वो कहाँ से गुजर रही है। हो सकता है रेखा यूँ निकल जाए, निकली भी है ना, हो सकता है रेखा यूँ निकल जाए, हो सकता है रेखा यूँ निकल जाए, कहीं से भी रेखा का कोई यहाँ पर कंडीशन का पता नहीं चलता कि भाई रेखा कहाँ से निकल रही है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु चाहिए होते हैं। जब किसी भी आकृति को रेखा काटती हुई जा रही है तो निश्चित है कि वो दो बिंदुओं को जरूर टच करनी चाहिए, और उसके बाद ही हमें ये पता चलेगा कि रेखा की जो लाइनिंग चल रही है वो किस तरफ जा रही है। तो मान लीजिए अगर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दें इसको, या तो आपके पास एक काम है कि यहाँ से x या y का मान निकालिए और इसमें मान रखिए, मान रखने के बाद सॉल्व करेंगे तब आएगा। एक थोड़ा सा शॉर्टकट भी है इसका कि अगर हम इसको, इस रेखा को अंत्यखंड रूप में परिवर्तित कर दें, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 को अंत्यखंड रूप में लिखने पर, अगर हम इसको अंत्यखंड रूप में लिखते हैं, अंत्यखंड रूप में लिखने पर तो क्या कंडीशन आती है इस वाले को। अंत्यखंड रूप आपको पता है, पहले बताया जा चुका है कि x/1 y/1 = 1, इस तरह से। तो क्या मीन्स हुआ कि x अक्ष पे तो एक अंत्यखंड काटा, y अक्ष पे एक अंत्यखंड काटा, बराबर में एक आ ही रहा है। तो ये त्रिज्या अगर एक है तो यहाँ पर भी तो त्रिज्या एक ही हुई, है ना। तो ये जो रेखा है ये कैसे जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, यू आ रही है बात समझ में। ये स्थिति इस तरह से बन रही है, है ना। तो x अक्ष पर भी एक अंत्यखंड काट दिया, y अक्ष पर भी एक अंत्यखंड काट दिया, ठीक है, और इनको सॉल्व किया इस टाइप से। अब इनसे कहा गया कि भाई इसका आपको मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिए, मध्यवर्ती क्षेत्र यही तो बना, दोनों को मिला दीजिए, बस ये क्षेत्र बन गया मध्यवर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो हम वृत्त में से रेखा को घटा देंगे और क्षेत्र आ जाएगा हमारे पास, और ये जो स्ट्रिप है वो 1 तक गति करेगी क्योंकि ये वाला जो बिंदु है वो 1,0 है, है ना। इसमें आप y का स्ट्रिप भी ले सकते हैं, अगर y का स्ट्रिप हमने यूँ ले लिया तो 1 से 0 से और 1 तक गति करेगी। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व इसको, तो 0 से 1 और वृत्त में से रेखा घटेगी, तो y dx - 0 से 1 y dx। ये वाला जो y है ये वृत्त के लिए है, ये वाला जो y है वो रेखा के लिए है। इसका सॉल्यूशन हमको करना है, तो 0 से 1। अब वृत्त का y निकालना है, अब देखिए आ चुका है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो आंसर क्या आएगा, √1 - x² - dx - 0 से 1 है y dx, y का मान निकालिए यहाँ से, तो 1 - x हो जाएगा, ये dx हो गया, सॉल्व कर दीजिए। तो a बराबर
ये वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अगर इसको करते हैं तो एक्स बाई टू फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और जीरो से एक तक, ठीक है। फिर माइनस, ये सीधा ही हो जाएगा, वन का समाकलन करते हैं तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा जीरो से वन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो वन यहाँ रखिए, उच्च सीमा की बात कर रहे हैं, तो वन को यहाँ रखा, जीरो हो गया, जीरो का गुणा इससे हुआ, ये भी सारा जीरो हो गया, तो पहला वाला पद जीरो, प्लस में फिर वन बाई टू आ रहा है, यहाँ पर वन करेंगे है ना, वन करेंगे तो एक आ गया, तो साइन इनवर्स वन हो गया, और साइन इनवर्स वन का मतलब क्या होता है, पाई बाई टू, तो वन बाई टू और पाई बाई टू, ठीक है, वन बाई टू इंटू पाई बाई टू, ये माइनस हो गया। फिर अब जीरो लगाइए, देखिए यहाँ जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब सब खत्म है, जीरो लिख दिया केवल, बात खत्म है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर, तो ये माइनस है और इसमें वैल्यू डालना शुरू करते हैं, वन रखा है यहाँ पर तो वन माइनस वन बाई टू आ जाएगा, उच्च सीमा रख रहे हैं, वन माइनस वन बाई टू और माइनस जीरो, क्योंकि इसमें आपने जीरो रखा तो भी जीरो, इसमें जीरो रखा तो भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, ये आ गया। अब उसके बाद इनको सॉल्व करिए, दो ये जीरो तटी गया, इनको सॉल्व कर दिया, ये हो गया पाई बाई फोर, माइनस जीरो है कुछ नहीं करना, ये ब्रैकेट पे हटा लीजिए, कोई यूज़ नहीं है अब इसका। फिर माइनस, भाई इसको हल किया ना, इसको हल किया तो ये मिल गया, ये बैठ गया, ये भी गया। अब यहाँ पे आ जाइए, वन माइनस वन बाई टू करते हैं, वन माइनस वन बाई टू मतलब एक में से आधा घट गया, तो आधा बच गया ना यहाँ पर, तो माइनस एक बटा दो, और पीछे जीरो चली रहा है, बस ये आंसर हो गया इसका। और इसको आप चाहें तो एलसीएम कर सकते हैं, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे, और यही आंसर आ जाएगा इसका, ए बराबर पाई बाई फोर माइनस वन अपॉइंट टू, कंप्लीट। तो नेक्स्ट पे आइए, नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात देखिए। क्वेश्चन एक बार खुद करके थोड़ा सा कोशिश जरूर किया करिए, चित्र बना के सॉल्यूशन करके, थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है इसमें। अब जैसे सातवां क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स, क्वेश्चन नंबर सात, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स, और रेखा वाई बराबर टू ए, वाई बराबर टू ए ये दिया गया, एवं y अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब y स्क्वायर बराबर 4ax, ये सिंपल कंडीशन है, कोई खास काम नहीं, y बराबर 4ax है तो जो चित्र बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, इस तरह का है ना, और y बराबर 2a, तो y बराबर 2a जो रेखा आ रही है ये वाली, y बराबर 2a रेखा यूं ही तो जाएगी इस प्रकार से काटती हुई इसको, तो ये जो पॉइंट है ये 2a का है और ये पॉइंट है जीरो का है। अब आपको चाहिए ये वाला क्षेत्र, अब देखिए इसमें एक्स का नहीं है, है ना, इसमें एक्स की वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, एक्स की कोई लिमिट नहीं मिल रही है, लेकिन वाई की दोनों लिमिट मिल गई हैं, और ये बात मैंने 11.1 में आपको बताई थी कि अगर जिस भी अक्ष पे आपको लिमिट मिल जाए आपको उस स्ट्रिप को उसी के लंबवत लेना है, तो लंबवत ले लेंगे वाई के लंबवत, ये बन गया, और वाई के लंबवत ले लेते हैं तो यहाँ पर परवलय का मान निकाल लेना है, बस परवलय से घिरा हुआ क्षेत्र, बस यही आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, है तो ये 11.1 का, लेकिन उसको 2 में डाल दिया है, तो a बराबर 0 से 2a, तो 0 से 2a हो गया। और अब देखिए ये जो स्ट्रिप आ रही है ये y अक्ष पर लंबवत आ रही है, y अक्ष पर लंबवत है तो y के सापेक्ष काम करेंगे है ना, और x के समांतर चल रही है, जब x के समांतर चल रही है तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो x dy मतलब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, जब x का मान निकालेंगे जैसे 11.1 में किया था सेम वही काम कर रहे हैं कि हमें दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4ax, आपने यहाँ से x का मान निकाल लिया तो x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, 4a तो है कांस्टेंट, 4a कांस्टेंट है तो 1 अपॉन 4a, ये एक मिनट यहाँ नहीं,
एक्स की जगह पर पहले वैल्यू रखते हैं, फिर आएगा 4a बाहर। एक्स की जगह पे वैल्यू करेंगे ये वाली, तो 1/4a तो आ गया बाहर, 0 से 2a, और इसकी जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर और dy। देखिए क्लियर है यहाँ तक कि x की जगह पर हमने वैल्यू रखी और x की जगह पर वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो 4a तो है कांस्टेंट, उसको निकाल के बाहर रख दिया और ये बच गया वाई स्क्वायर dy। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को सॉल्व कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3 0 से 2a, है ना। ये मान इसमें रख देते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1/4a, और 2a 3 को भी चाहे बाहर ले सकते हैं, 3 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 12a हो जाएगा, और 2a रख दिया तो 2a का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8a³। कंप्लीट, 0 को यहाँ रख दिया, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म। बस इसको काट लीजिए। अब देखिए a से a कट गया, a स्क्वायर बच गया, 4 से ये दोनों कट रहे हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, आंसर आ गया 2/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई। कंप्लीट, ये 11.1 की कंडीशन का क्वेश्चन था, ये इसमें डाल दिया, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आइए, इसके बाद में आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त का समीकरण दिया है, एक परवलय का समीकरण दिया है, एक वृत्त और एक परवलय दोनों को मिलाकर एक आकृति बनाई है। तो देखिए इसमें x² + y² = 16, ये तो समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा, और के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय y² = 6x से बाहर है। तो y² = 6x, नंबर 2 डाल दिया, से बाहर है, तो थोड़ी सी कंडीशन अजीब सी हो गई। अभी तक तो क्या बोलता था कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, तो मध्यवर्ती क्षेत्र का जब हम क्षेत्रफल निकालते थे दोनों के बीच का भाग निकाल लेते थे, है ना, लेकिन अब उल्टा हो गया कुछ। अब क्या कंडीशन बन रही है, अब मध्यवर्ती नहीं पूछ रहा है, उसके बाहर का क्षेत्र पूछ रहा है। जैसे हम पहले वृत्त एक की बात करते हैं, वृत्त एक का केंद्र कितना आया, 0 0, वृत्त एक का केंद्र हो गया 0 0, और त्रिज्या बराबर 4, है ना, यहीं से पता चल जाएगा कि केंद्र तो है 0 0 और त्रिज्या हो गई 4 के बराबर। फिर उसके बाद इसका एक चित्र लेते हैं, इसका डायग्राम बनाया, तो जो इसका डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरह का होगा। अब y² = 6x का चित्र बनाते हैं, तो ये मान लीजिए आप इस तरह से चल रहा है ना, और ये एक रेखा होगी वो लगभग सेम एक लाइन पे आ जाएगी, हो गया, ये चित्र बन गया। उसके बाद में तरीका जो अभी तक था, एक क्वेश्चन आ चुका है ऐसा पहला, तो आपसे ये कहा गया था कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए मध्यवर्ती क्षेत्र का जो आपने क्षेत्रफल निकाला था तो ये एरिया था जिसका क्षेत्र हमने निकाला, है ना, ये क्षेत्र हमने रेखांकित कर दिया। अभी तक का क्वेश्चन जो था, जो पहले हमने किया था, वो यही था कि आप मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपने मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला था, एक लाइन यहाँ से जो सीधी आ रही है ये यहाँ पे आके मिल रही है, साफ दिख रहा है, एक स्ट्रिप हमने इसमें ली, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिप ले ली, है ना, ये स्ट्रिप यहाँ पे आ गई। अब ये स्ट्रिप जब यहाँ आती है तो मूल बिंदु से यानी 0 से यहाँ तक गति करेगी, ठीक है, फिर यहाँ से और यहाँ तक गति करेगी, तो हम एक स्ट्रिप ये ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 स्ट्रिप ले ली जाएंगी, यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन ये पिछला सवाल था, पिछले सवाल में यही कहा गया था कि भाई आप मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, तो आपने ऐसा काम किया था। अब क्वेश्चन हो गया उल्टा, अब ये नहीं कह रहा कि मध्यवर्ती क्षेत्र निकालिए, अब ये कह रहा है
कि वाई स्क्वायर बराबर 6x जो ये परवलय चल रहा है ये वाला, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का उल्टा निकालना है, मतलब चेंज कर दीजिए इसको, ये नहीं चाहिए अंदर का हिस्सा, बाहर बाहर का चाहिए ये वाला। तो हम क्या करें, सिंपल कंडीशन है, क्या करना है, पहले तो यही निकालना है, पहले तो मध्यवर्ती क्षेत्र निकालना है। मध्यवर्ती क्षेत्र के बाद वृत्त के क्षेत्रफल में से ये एरिया हटा दीजिए ये वाला, तो बचेगा क्या, ये बाहर बाहर का बच जाएगा सारा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। अब सबसे पहले हम काम तो वही करेंगे, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिप ले ली और ये स्ट्रिप चलेगी यहाँ से यहाँ तक। अब बात ये आती है कि भाई ये पॉइंट कौन सा है, कितना है, ये वाली जो त्रिज्या है त्रिज्या के अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट तो 4 आ रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन इस पॉइंट के बारे में नहीं पता। तो क्या करना पड़ेगा, वृत्त और परवलय दोनों को हल करिए, हल करने के बाद एक्स का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ से समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0 हो गया। देखा समीकरण बन गई, टुकड़े करिए कि गुणा करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो गुणा करने पर 16 आ जाए, 8 दुनी 16 हो गया ना सीधा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 8 x माइनस 2 बराबर 0। अब एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, तो यहीं लिख देते हैं इसको हम। एक बार तो आ रहा है x बराबर माइनस 8, एक बार तो आ रहा है x बराबर माइनस 8 और एक बार आ रहा है x बराबर प्लस का 2। तो देखिए x बराबर माइनस 8 आया, त्रिज्या यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी तो 4 ही होगी, है ना भाई, x बराबर माइनस 8 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर त्रिज्या 4 है तो यहाँ भी तो त्रिज्या 4 ही होगी, त्रिज्या तो सब जगह बराबर रहेगी। अब क्वेश्चन, ये जो आंसर आया हमारे पास, ये आ रहा है x बराबर माइनस 8, माइनस 8 का मतलब x अक्ष में माइनस में चले गए, पीछे चले गए और भी ज़्यादा, तो ये पॉइंट तो हमारे काम का ही नहीं है, है ना, ये पॉइंट हमारे काम का नहीं है। कौन सा पॉइंट काम का है, x बराबर 2 पॉइंट काम का है, x बराबर 2, तो x बराबर 2 मतलब ये वाला यहाँ पर आ रहा है अंदर की तरफ, तो जो लिमिट बन रही है वो 0 से 2, 2 से 4 इस तरह से बनेगी। तो हम इसका क्षेत्र निकालते हैं, a बराबर 0 से 2, पहले इसको देखा। अब 0 से 2 का अगर क्षेत्र निकालते हैं तो ये आकृति जो टच हो रही है वो कौन सी है, ये परवलय है, परवलय का मान रख देते हैं, लेकिन दुगना भी हो रहा है, देखिए मैं ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र नीचे भी तो आ रहा है, तो डबल कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 2 और ydx, और ये ydx किसके लिए है, परवलय के लिए। फिर प्लस 2 से 4, अब इस क्षेत्र पे आ जाइए, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो स्ट्रिप आ रही है वो 2 से 4 पे चल रही है, और कौन सा क्षेत्र काम में आ रहा है, वृत्त वाला क्षेत्र काम में आ रहा है, तो 2 से 4 ydx ये वृत्त है, वैल्यू डाल दो, 0 से 2 ydx, परवलय का ydx निकालते हैं, मतलब इसका अंडर रूट कर देंगे, तो y बराबर रूट 6 और रूट x, तो रूट 6 रूट x dx प्लस 2 से यहाँ पर 4। फिर ydx चाहिए किसका, वृत्त का, ydx निकालिए वृत्त का, तो क्या लिखेंगे इसको, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, कर दिया सॉल्व इसको, तो ये रूट 6 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6 हो गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, x की पावर 3/2, फिर यहाँ पर भी 3/2, 0 से 2 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सूत्र बनेगा, वही फार्मूला है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और 2 से 4। कंप्लीट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब ये जो 3/2 है इसको निकाल के बाहर कर देते हैं, तो ये 3/2 बाहर आता है, 2/3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, है ना। अब आ जाइए यहाँ पर 2, तो 2 का पावर 3/2, फिर 0 रख दिया,
तो 0^3/2, फिर प्लस यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, पहले 4 आ रहा है तो यहाँ पर उच्च सीमा की बात कर रहे हैं पहले, तो हमने जैसे ही यहाँ पर 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 - 16 हो गया 0, ये कंप्लीट 0 हो गया, फिर प्लस 8, ये 8 हो गया, साइन इनवर्स 4/4 है ना, इसका तो 8 हो गया, 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, फिर माइनस 2 यहाँ आ गया, अब देखिए 2/2 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 को यहाँ रख दिया, 4 हो गया, 16 - 4 करेंगे 12 बचेगा, √12 हो गया, प्लस 8, फिर 2 को यहाँ रख दिया, 2/4 हो रहा है, 1/2 आ रहा है, तो साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितने डिग्री पर आता है, 30 पे आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं π/6 हो गया। यहाँ तक का काम हमारा बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, जैसे अब ये 3/2 है ना, 2^3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√6/3 तो है, इसको लिख देंगे 2√2, ये 0 है इसको छोड़ दीजिए, तो 2√2 आ रहा है, बाद में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इधर आ जाइए प्लस, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 4π, फिर माइनस आ गया, ये 12 हो गया, फिर माइनस वापस अंदर गया, और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो रहा है ये वाला 8/6, तो ये आ जाएगा 4π/3, हो गया कंप्लीट। यहाँ तक का मैटर हमारा ओके है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ए इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है, ये तो 8 हो गया, ये 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, 12 को आप सॉल्व करते हैं तो 4 × 3 = √3 हो जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं √3/3 प्लस ये 4π माइनस √12, ऐसे ही माइनस 4π/3। अब जो रूट वाली डिजिट है ना, उनको तो एक तरफ ले लें आप। अच्छा एक काम और करिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा, इस चीज़ को हटा के हम ऐसे लिख देते हैं √12 को, इसको देखिए √12 को मैंने जहाँ भी सॉल्व किया ना ऐसे किया है, 4 × 3 ऐसे लिख दिया, √12 को लिख सकते हैं ना 4 × 3, अब 4 बाहर आ रहा है रूट में से, तो 2 बन जाएगा, 2√3 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2√3, तो √12 में जहाँ भी लिख रहा हूँ ना, जहाँ भी √12 आ रहा है उसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है 2√3, वैसे ही ये वाला आया 2√3, ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया 2√3 आ गया, और माइनस 4π/3 हो गया। अब जो पाई वाली हैं उनको तो एक जगह कर दीजिए, और जो बिना पाई वाली हैं उनको एक जगह कर देते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं ए 4π माइनस 4π/3, इनको तो एक जगह कर दिया, इन दोनों को एक जगह करेंगे तो प्लस 16 हो गया, 16√3/3 और माइनस 2√3। अब इनको सॉल्व करिए, तो इसका एलसीएम हो गया 12 माइनस 4 कर दिया तो 8π/3 हो गया प्लस, फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये 6 हो गया है ना, लघुत्तम कर रहे हैं 6 हो गया, तो 16 में से 6 माइनस हो गया, 10√3 बच गया, तो 10√3/3 हो गया, ये आंसर हमारे पास आ जाता है। लेकिन अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, और अभी तो ये है मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ये वाला। अच्छा हाँ एक मिस्टेक और हो गई, मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया और इसको नहीं किया, ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 8π, ये हो गया 4√3 और ये हो गया 8π, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन बदल जाएगा, इसको मैं दोबारा ही कर देता हूँ, तो ये तो हो गया 16√3/3 और इनको साथ में ले लेते हैं, है ना, बिना रूट वाले एक, ये बिना पाई वाले एक तरफ, प्लस 8π - 8π/3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 12√3/3, है ना, 16 में से गए तो 4√3 भैया, 4 × 12 हो गए 16√3 और माइनस 12√3 तो कितने बच गए, 4√3/3 हो गया, ये फिक्स है। फिर इधर आ जाइए, 8 × 3 = 24 हो गए, 24 पाई में से 8π गए तो 16π/3,
ये बच गया, हो गया यहाँ तक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया वर्ग इकाई, और ये जो वर्ग इकाई है ये किसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है इस पूरे का, अंदर वाले का, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है। हमें ये चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए हमें, तो चाहिए ये बाहर का एरिया। जब ये बाहर का एरिया चाहिए तो हम इसको वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाएंगे। अब एक बार इसको आप पहले थोड़ा सा देख लीजिए ढंग से, इसको नोट करना है तो करिए, फिर मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको, क्योंकि जगह की कमी है, उधर हो नहीं पाएगा। यहां कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए हमसे कहा गया कि परवलय के बाहर का क्षेत्रफल, तो इसको लिखेंगे परवलय के बाहर का क्षेत्रफल। तो परवलय के बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दोनों आकृतियों का मध्यवर्ती क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कंप्लीट है। और दोनों आकृतियों का मध्यवर्ती क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाल लिया, तो 4√3/3 प्लस 16π/3। अब r का मान क्या है, चित्र में ही पता चल जाएगा भाई, r में जो r का मान है वो चित्र में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या लिखी हुई है ना 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16π हो गया। 16π में से घटा देना है इसको, तो 4√3/3 प्लस 16π/3। इसका कंप्लीट लघुत्तम कर लेते हैं, एक लघुत्तम आ गया 3। उसके बाद में 16 3 48 हो गए, ये 48π माइनस, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4√3 हो गया, ये माइनस यहाँ पर आया तो माइनस हो गया, और ये 16π हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और मिटाते हैं, अभी आप देखिए क्या कंडीशन आती है, 48 में से 16 गए, कितने बच गए, 32, है ना, 32π माइनस 4√3/3। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, जैसे या तो ऐसे कर लेंगे, इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 कॉमन आ गया, 3 तो नीचे चल ही रहा है, यहाँ से क्या बच गया 8π, और यहाँ से बच गया माइनस √3, और ये आ जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। ये आंसर हमारा हो जाता है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। और देखिए इसको ध्यान से, फिर नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन है हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में ही होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में उसको कर ही नहीं सकते। आंसर इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये गलत है क्वेश्चन, पर ये जो सॉल्यूशन है वो पूरा सही है, आंसर में कुछ मिसप्रिंट हुआ है।